हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशो. सेक्रीफाइस रेशो जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर में हम लोगों को काफ़ी यूज़ होता है. इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? सेक्रीफाइस रेशो का हम यूज़ करते हैं जब पार्टनर्स एडमिशन करते हैं न्यू पार्टनर को, तो वो जो न्यू पार्टनर है तो वो अपने साथ में क्या करता है, गुडविल कैरी करता है. जिसकी एंट्रीज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में उसकी जर्नल एंट्रीज की थी, आज इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेक्रीफाइस रेशो निकालते कैसे हैं और इस सेक्रीफाइस रेशो का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं. तो जो गुडविल न्यू पार्टनर ब्रिंग करता है कैश में, या फिर कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बातें बताई थी कि गुडविल जो है या तो वो कैश में कैरी करेगा पार्टनर, न्यू पार्टनर, अदरवाइज अगर उसके पास मे बी इतना कैश नहीं है कि वो गुडविल का अमाउंट अभी फ़िलहाल पे कर सकता है, तो वो गुडविल का अमाउंट अकाउंट्स के बुक में क्या किया जाता है, रेज किया जाता है. तो उसे हम कहते हैं कि गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश. तो वो जो दोनों भी कंडीशंस के अंदर में जो अमाउंट ऑफ गुडविल होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका इस सेक्रीफाइस रेशो के अंदर में. तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना कैसे होगा, किस तरीके से निकालते हैं, इसका यूज़ क्या है, वो तो मैंने अभी बता दिया है कि जो गुडविल होता है न्यू पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है उसका, तो वो गुडविल जब हम ओल्ड पार्टनर्स के अमंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में किया जाता है, सेक्रीफाइस रेशो में. इसलिए हमने सेक्रीफाइस रेशो निकालते आना चाहिए. क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है कि प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3. ये जो 7:3 ये जो रेशियो है, ये रेशियो है प्रवीण एंड नवीन का. और ये प्रवीण और नवीन कौन है, ये है ओल्ड पार्टनर्स. कौन है ये, ओल्ड पार्टनर्स जिनका रेशियो है 7:3. तो ओल्ड रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है 7:3, दैट मीन्स 7/10 एंड 3/10. 7:3, 7+3, 10. तो 7/10 एंड 3/10. ये जो रेशो आ गया, ये रेशो किसका आ गया है, ओल्ड पार्टनर्स का, प्रवीण एंड नवीन का. ओके, सो द नेक्स्ट वन, दे एडमिटेड रीना. उन्होंने, ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, रीना को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. कितने शेयर के लिए किया उन्होंने, 1/5 शेयर के लिए उनको एडमिट किया. तो ये आ गया उसका न्यू पार्टनर्स का शेयर इन द बिजनेस. जो न्यू पार्टनर है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1/5 है. कितना है, 1/5. तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशो. तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. अब हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया हुआ है 7:3, दैट मीन्स 7/10 एंड 3/10. 7/10, 3/10. और हमको क्या चाहिए, न्यू रेशो चाहिए. मगर न्यू रेशो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. और न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है, न्यू रेशो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशो. अब इस न्यू रेशो को फाइंड करने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1. लास्ट लेक्चर में मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने
न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बताया था। इस सम के अंदर में हम एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए? न्यू रेशियो। तो पहले हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशियो। अब बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशियो, तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बैलेंस ऑफ वन, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। वन माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर, वन माइनस न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया है क्वेश्चन में 1/5, सो 1/5। सो इसका आंसर आ जाएगा, माइनस होगा नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 5, बीच में साइन है माइनस का, 1 × 1, इसके नीचे एक होगा, 1 × 1 1/5 × 1 5 इज इक्वल टू 5 − 1 4/5। सो हमारा जो आंसर है बैलेंस ऑफ वन, दैट इज 4/5। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशियो। अब बैलेंस ऑफ वन अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 4/5। ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 7:3, दैट इज 7/10 एंड 3/10। वैल्यूज को पुट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो पार्टनर है प्रवीण का जो न्यू रेशियो है, उसका न्यू शेयर जो आएगा वो क्या आएगा? बैलेंस ऑफ वन, दैट इज 4/5, बीच में साइन है इंटू का, इंटू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में यहाँ पे प्रवीण का रेशियो दिया हुआ है 7/10। क्या दिया हुआ है? 7/10, दैट इज 7/10। आंसर 4/5 × 7/10, 4 × 7 28 / 10 × 5 50। सो 28/50। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नवीन का न्यू शेयर, नवीन का कितना आएगा? सो नवीन इज इक्वल टू 4/5 × 3/10, 3 × 4 = 12 / 10 = 50। यह आ गया इसका 50 12/50। देन नेक्स्ट वन, अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर किसका? न्यू पार्टनर का, दैट इज रीना। अब रीना का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? रीना का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमारे पास बैलेंस ऑफ वन तो अवेलेबल है, लेकिन रीना न्यू पार्टनर है, उसका ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो उसका न्यू शेयर हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसको हम उसका जो शेयर होगा वो शेयर दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। सो रीना का जो न्यू शेयर होगा वो आएगा, रीना का शेयर इज इक्वल टू, सबसे पहले जो रेशियो है, रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो देख लो, इसका जो प्रवीण का न्यू रेशियो आया 28/50, उसके बाद नवीन का जो न्यू शेयर आया वो आया 12/50। तो इसका मतलब ये है कि रीना का जो शेयर होगा वो शेयर में भी रीना का जो डेनोमिनेटर होगा वो कितना होगा? 50 होगा। कितना होगा? 50। सो इसका भी डिनोमिनेटर 50 है, इसका भी 50 है, तो इसका भी 50 होगा। सो डिनोमिनेटर 50 है, इसका मतलब ऊपर जो यहाँ अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या आएगा? यह आएगा इनका 28 + 12 = 40,
जो आपका टोटल है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर आपका डिफरेंस निकालने का, वो डिफरेंस जो आ जाएगा दैट इज 50-40 इज इक्वल टू 10। तो इसका जो रेशियो है या इसका जो शेयर है वो आएगा 10/50। कितना आ जाएगा? 10/50। सो आ गया इनका 28/50, 12/50 एंड 10/50। तो इनका जो न्यू शेयर है वो आ गया 28:12:10। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सेम अमाउंट से। कौन से अमाउंट से डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2 एंड 2 4। तो इनका जो शेयर आ गया रेशियो 14:6:5, यह आ गया इनका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 14:6:5। अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो तीनों पार्टनर्स का नहीं निकलता है। सेक्रीफाइस रेशियो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है और उनका ही निकालना है। अब ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स मतलब कौन? प्रवीण एंड नवीन। इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा उसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रवीण का। सो प्रवीण का सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, प्रवीण का ओल्ड रेशियो था 7/10 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 14:6:5। 14:6:5, 14 + 6 = 20, 20 + 5 = 25, that means 14/25, 6/25 and 5/25। ये आ गया उनका डिनोमिनेटर। तो इसमें जो प्रवीण का शेयर है वो है 14/25। अब क्या करना है? माइनस करना है। माइनस होगा नहीं क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 7, 25 × 4 = 100 एंड 25 × 7 = 175। राइट है, 175। बीच में साइन है माइनस, 14 × 10 = 140 / 25 × 10 = 250। अब क्या करेंगे? 175 - 140, 175 में से 140 को माइनस करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 35/250। क्या आंसर आ जाएगा? 35/250। सो ये 35/250 आ गया है। सो यहां पर ये जो रेशो आया, इस रेशो को आप डिवाइड किसी से भी करेंगे नहीं। अगर आप यहां पर किसी से भी इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। देन इसके बाद अब निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे नवीन का। नवीन का जो ओल्ड रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ था 3/10। सो नवीन इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस, नवीन का जो न्यू शेयर आया था वो आया था 6/25। सो 6/25 आंसर इज 35
सॉरी 25 × 3 इसमें भी सेम डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 3 75 माइनस माइनस का साइन है 6 × 10 60 अपॉन 25 × 10 250 75 - 60 = 15/250 क्या आंसर आया 15/250। अब यहां पे प्रवीण और नवीन का जो रेशियो है वो आया है 35/250 और 15/250। याद रहे सैक्रिफाइस रेशियो निकालते समय जो आंसर आएगा ये दोनों के आंसर में नीचे का डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये आ गया इनका रेशियो, दैट इज 35:15 35:15। यह आ गया आपका एक रेशियो, ये भी सही आंसर है। हाँ, अभी आप इसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। अगर किसी सेम अमाउंट से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से अगर हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 7 = 35। तो इनका अगर शॉर्ट किया तो रेशो आ गया 7:3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर अराइज होगा कि सर ये 7:3 जो आंसर आया ये आंसर हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, देखो सर 7:3 था, सर 7:3 दिया था, 7:3 आया आंसर, तो इतना सारा मगजमारी करने का क्यों। एक बात याद रखना, कभी कभी सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों पार्टनर्स के सेम आ जाते हैं, 95% तक ये सेम आते हैं, लेकिन 5% ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसीलिए एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। इसीलिए इसको चेक कर लेना, इसको कैलकुलेट करना, ये हमारे लिए सही है। क्योंकि अगर सपोज दैट के यहाँ पे दिया इनका 7:3 और यहाँ पर आंसर कुछ और आता तो आपका जो आंसर था वो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। इसलिए आपने ये दिमाग में नहीं रखना है, अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया इसमें भी आंसर ओल्ड रेशो और न्यू सैक्रिफाइस रेशो सेम आ गया, दूसरा क्वेश्चन दूंगा या दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी सेम आ जाएगा, तीसरा करेंगे उसमें भी सेम आ जाएगा, फिर आपकी एक मेंटेलिटी बन जाएगी अभी क्या करने का, सैक्रिफाइस रेशो निकालने का नहीं, बोलेंगे क्यों नहीं निकालने का, क्योंकि सर सेम आ जाता है। मैंने इसलिए बोला है कि सेम आता है 95% तक, 5% के चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सेम नहीं आता, इसीलिए चेक कर लेना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये तो आपका 2 मिनट का 1 मिनट का काम है, फटाफट आपका काम इससे हो जाएगा। सो थैंक यू।